कोसी तहसील क्षेत्र के कोटेदारों ने सोमवार को अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर एक 4 सूत्रीय मांग पत्र उपजिलाधिकारी डॉक्टर सीएल सोनकर को सौंपा। सौंपे गए मांग पत्र में मांग की गई कि मई 2021 के नियमित चालान में भाड़ा व पल्लेदारी का पैसा डोर स्टेप डिलीवरी के लिए जमा किया जाना था, लेकिन डोर स्टेप डिलीवरी बंद हो जाने के कारण कोटेदारों को हॉट केंद्र घोसी से पुनः भाड़ा व पल्लेदारी नगद लगाकर खाद्यान्न लेना पड़ रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष की तरह आगामी जून माह की रेगुलर चालान में भाड़ा व पल्लेदारी घटकर आनी चाहिए थी। पीएमजीकेवाई योजना के तहत माह मई व जून के बटे हुए निःशुल्क राशन का भाड़ा पल्लेदारी व कमीशन जून के रेगुलर चालान में घटकर आनी थी। पिछले वर्ष यानी 2020 के मई व जून माह में अंत्योदय कार्डों पर वितरित निःशुल्क खाद्यान्न का बकाया पैसा व विपणन केंद्र घोसी कर कोटेदारों द्वारा जमा किए गए खाली जूट के बोरों को पैसे का भुगतान शीघ्र किया जाए और कोटेदारों को कोरोना योद्धा की तरह सम्मान दिया जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से देवेंद्र कुमार, दुरुल हसन, सुरेश फूलमती देवी, संतोष कुमार, रमेश चंद्र, राम नरेश पटेल, स्वामीनाथ गुप्ता, श्री राम सोनकर, राम प्रसाद, संतरा सिंह, अरुण कुमार राय, उपेंद्र गुप्ता आदि मौजूद रहे। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। किस मसले को लेकर आपका बयान है? हम कोटेदार संघ के यहाँ के अध्यक्ष हैं, घोसी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, और हम समस्या ये थी कि हम लोग राशन बांटते हैं और भाड़ा पल्लेदारी हम लोग अपने पास से लगाते हैं, मिलता नहीं है, कमीशन भी नहीं मिल रहा है। जैसे पिछले महीने हम लोग मई में रेगुलर का बांटे थे भाड़ा पल्लेदारी लगा कर, और फिर विवरण गोदाम में गए तो फिर जाके नकद देना पड़ा, वो माइनस हुआ नहीं अब अगली चालान में। और जो हम लोग खाद्यान्न बांट रहे हैं इस समय फ्री वाला मई और जून में बांट रहे हैं, उसका भी भाड़ा पल्लेदारी कमीशन मिला नहीं। अभी हम लोग पिछली बार लॉकडाउन बांटे थे 2020 में अप्रैल मई जून का, तो सिर्फ अप्रैल का मिला है, मई जून 2020 का अभी पैसा हम लोग लगा के बांटे थे अंत्योदय वालों को, मनरेगा वालों को, अभी तक हम लोगों को पैसा नहीं मिला। हम लोग भूखमरी के कगार पर हैं, दशा हम लोग खराब हो गए, सरकार हम लोग ध्यान दे, हम लोगों को बकाया पैसा हम लोग वापस करे। हम लोग यही साहब, हम लोग एसडीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं, आश्वासन दिए हैं कि भाई उच्च अधिकारियों का अवगत करा के हम लोग निस्तारण कराएंगे। अब मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे, निकासी हम लोग बंद करेंगे, यही हम लोगों की संगठन की राय है।